नमस्कार। गुजरात के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अन्य सभी महानुभाव देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में जुड़े मेरे किसान भाई और बहनों, देश के कृषि सेक्टर, खेती, किसानी के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देश भर के किसान साथियों से आग्रह किया था कि नेचुरल फार्मिंग के नेशनल कॉन्क्लेव से जरूर जुड़े, और जैसा भी कृषि मंत्री तोमर जी ने बताया, करीब करीब 8 करोड़ किसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य देवव्रत जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ध्यान से एक विद्यार्थी की तरह आज मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं स्वयं तो किसान नहीं हूं, लेकिन बहुत आसानी से मैं समझ पा रहा था कि प्राकृतिक कृषि के लिए क्या चाहिए, क्या करना है। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है, और मुझे पक्का विश्वास है आज का उनका ये मार्गदर्शन, और मैं जानबूझकर आज पूरा समय उनको सुनने के लिए बैठा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है, प्रयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए हैं, हमारे देश के किसान भी उनके फायदे की इस बात को कभी भी कम नहीं आंकेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। साथियों, ये कॉन्क्लेव गुजरात में भले हो रहा है, लेकिन इसका दायरा, इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए है, भारत के हर किसान के लिए है। एग्रीकल्चर के अलग अलग आयाम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। इस कॉन्क्लेव के दौरान यहां हजारों करोड़ रुपए के समझौते, उसकी भी चर्चा हुई, उसका भी कुछ प्रगति हुई है। इनमें भी इथेनॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्साह दिखा है, नई संभावनाओं को विस्तार देता है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि गुजरात में हमने टेक्नोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग में तालमेल के जो प्रयोग किए थे, वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं। मैं फिर एक बार गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों में, स्व अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत के अवलोकन का, उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है।
आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, आने वाले 25 साल का जो सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। और श्रीमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषण में किया है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। गांवों में भंडारण, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। जब मिट्टी ही जवाब दे, जब मिट्टी ही जवाब दे जाएगी तब क्या होगा? जब मौसम ही साथ नहीं देगा, जब धरती माता के गर्भ में पानी सीमित रह जाएगा, तब क्या होगा? आज दुनिया भर में खेती को इन चुनौतियों से दोचार होना पड़ रहा है। ये सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा और अधिक ध्यान देना होगा। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से, दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी हुई भी है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। साथियों, गुजरात में कहावत है, हर घर में बोली जाती है, पानी आवे तो पहला पाल बांधो, पानी पहला पाल बांधो है, अपने ते बदाज कहता हुए छे। इसका तात्पर्य ये कि इलाज से पहले परहेज बेहतर। इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकराल हो जाए, उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है। हमें अपनी खेती को
केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात करता हूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारित ही है। ये कैसे होता है इसके बारे में अभी आचार्य देवव्रत जी ने विस्तार से बताया भी है, हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा है, और जैसे उन्होंने कहा उनकी किताब प्राप्त कर करके भी यूट्यूब पर आचार्य देवव्रत जी के नाम से ढूंढेंगे तो उनके भाषण भी मिल जाएंगे। जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गोमूत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है ना कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़ सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं, धान, दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है। यानी कम लागत ज्यादा मुनाफा, यही तो प्राकृतिक खेती है। साथियों, आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है उतना ही बैक टू बेसिक की ओर बढ़ रही है। इस बैक टू बेसिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना। इस बात को आप सब किसान साथियों से बेहतर कौन समझता है? हम जितना जड़ों को सींचते हैं उतना ही पौधे का विकास होता है। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, खेती किसानी के इर्द गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है, परंपराएं पोषित हुई है, पर्व त्योहार बने हैं। यहां देश के कोने कोने से किसान साथी जुड़े हैं। आप मुझे बताइए, आपके इलाके का खान पान, रहन सहन, त्योहार परंपराएं, कुछ भी ऐसा जिस पर हमारी खेती का, फसलों का प्रभाव ना हो? कुछ भी नहीं है। जब हमारी सभ्यता किसानी के साथ इतना फली फूली है तो कृषि को लेकर हमारा ज्ञान विज्ञान को कितना समृद्ध रहा होगा, कितना वैज्ञानिक रहा होगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज जब दुनिया ऑर्गेनिक की बात करती है, नेचुरल की बात करती है, आज जब बैक टू बेसिक की बात होती है, तो उसकी जड़ें भारत से जुड़ती दिखाई पड़ती हैं। साथियों, यहां पर कृषि से जुड़े कई विद्वान लोग उपस्थित हैं जिन्होंने इस विषय पर व्यापक शोध किया है। आप लोग जानते ही हैं
हमारे यहां ऋग्वेद और अथर्ववेद से लेकर हमारे पुराणों तक कृषि, पाराशर और काश्यपीय कृषि सूक्त जैसे प्राचीन ग्रंथों तक और दक्षिण में तमिलनाडु के संत तिरुवल्लुवर जी से लेकर उत्तर में कृषक कवि घाघ तक हमारी कृषि पर कितनी बारीकियों से शोध हुआ है। जैसे एक श्लोक है, गोहितः क्षेत्रगामी च कालजो बीज तत्पर, कालज्ञो बीज तत्पर, वितंद्रः सर्वशास्त्राढ्य कृषको न अवसीदति। अर्थात जो गोधन का, पशुधन का हित जानता हो, मौसम समय के बारे में जानता हो, बीज के बारे में जानकारी रखता हो और आलस न करता हो, ऐसा किसान कभी परेशान नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। ये एक श्लोक नेचुरल फार्मिंग का सूत्र भी है और नेचुरल फार्मिंग की ताकत भी बताता है। इसमें जितनी भी संसाधनों का जिक्र है सारे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। इसी तरह कैसे मिट्टी को उर्वरा बनाएं, कब कौन सी फसल में पानी लगाएं, कैसे पानी बचाएं, इसके कितने ही सूत्र दिए गए हैं। एक और बड़ा प्रचलित श्लोक है, नैरुत्यार्त ही धान्यानाम जलम भाद्रे विमोचयते, मूलम मात्र तो संस्थाप्य कार्य जज मोक्षणम। यानी फसल को बीमारी से बचाकर पुष्ट करने के लिए भादो के महीने में पानी को निकाल देना चाहिए, केवल जड़ों के लिए ही पानी खेत में रहना चाहिए। इसी तरह कवि घाघ ने भी लिखा है, गेहूं बाहें चना दलाएं, धान गाहें मक्का निराएं, उख कसाए, यानी खूब वाह करने से गेहूं, खोंटने से चना, बार बार पानी मिलने से धान, निराने से मक्का और पानी में छोड़कर बाद में गंगा बोने से उसकी फसल अच्छी होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, करीब करीब 2000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में संत तिरुवल्लुवर जी ने भी खेती से जुड़े कितने ही सूत्र दिए थे। उन्होंने कहा था, तोड़ी पुडुड़ी कछचा उनकिन, पीड़ी थेरुवम बेंडादु सालप पड़ुम। अर्थात इफ द लैंड इज ड्राइड सो एज टू रिड्यूस 1 ounce ऑफ अर्थ टू क्वार्टर, इट विल ग्रो प्लेंटीफुली इवन विदाउट ए हैंडफुल ऑफ मैन्योर। साथियों, कृषि से जुड़े हमारे इस प्राचीन ज्ञान को हमें न सिर्फ फिर से सीखने की जरूरत है बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब में तराशने की भी जरूरत है। इस दिशा में हमें नए सिरे से शोध करने होंगे, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक फ्रेम में डालना होगा। इस दिशा में हमारे ICAR जैसी संस्थानों की, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। हमें जानकारियों को केवल रिसर्च पेपर्स और थियरीज तक ही सीमित नहीं रखना है
हमें उसे एक प्रैक्टिकल सक्सेस से बदलना होगा। लैब टू लैंड, यही हमारी यात्रा होगी। इसकी शुरुआत भी हमारे ये संस्थान कर सकते हैं। आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आप नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ले जाएंगे। आप जब ये करके दिखाएंगे कि ये सफलता के साथ संभव है, तो सामान्य मानवी भी इससे जल्द से जल्द जुड़ेंगे। साथियों, नया सीखने के साथ हमें उन गलतियों को भुलाना भी होगा पड़ेगा जो खेती के तौर तरीकों में आ गई है। जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से धरती अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जाती है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी को, और ये बात समझने जैसी है, जिस प्रकार मिट्टी को जब तपाया जाता है तो वो ईंट का रूप ले लेती है, और वो ईंट इतनी मजबूत बन जाती है कि इमारत बन जाती है। लेकिन फसल के अवशेषों को जलाने की हमारी यहां परंपरा सी पड़ गई है। पता है कि मिट्टी तपती है तो ईंट बन जाती है, फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं। इसी तरह एक भ्रम ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के फसल अच्छी होगी ही नहीं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पहले केमिकल नहीं होते थे लेकिन फसल अच्छी होती थी। मानवता के विकास का इतिहास इसका साक्षी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद कृषि युग में मानवता सबसे तेजी से फली फूली, आगे बढ़ी, क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी, लगातार लोग सीखते थे। आज औद्योगिक युग में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, कितने साधन है, मौसम की भी जानकारी है। अब तो हम किसान मिलकर के एक नया इतिहास बना सकते हैं। दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परेशान है, उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परंपरागत ज्ञान के द्वारा उपाय दे सकता है। हम मिलकर के कुछ कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, नेचुरल फार्मिंग से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा वो है हमारे देश के 80% छोटे किसान। वो छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, इनमें से अधिकांश किसानों का काफी खर्च केमिकल फर्टिलाइजर पर होता है। अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी स्थिति और बेहतर होगी। भाई और बहनों, प्राकृतिक खेती पर गांधी जी की कही ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां शोषण होगा वहां पोषण नहीं होगा। गांधी जी कहते थे कि मिट्टी को अलटना, पटलना, भूल जाना, खेत की गुड़ाई भूल जाना, एक तरह से खुद को भूल जाने की तरह है। मुझे संतोष है कि बीते कुछ सालों में देश के अनेक राज्यों में इसे सुधार आ रहा है। हाल के वर्षों में हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। इनमें से कई तो स्टार्टअप्स हैं, नौजवानों के हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना से भी उन्हें लाभ मिला है। इसमें किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इस खेती की तरफ बढ़ने के लिए मदद भी की जा रही है। भाई और बहनों,
जिन राज्यों के लाखों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं उनके अनुभव उत्साहवर्धक है। गुजरात में प्राकृतिक खेती को लेकर हमने बहुत पहले प्रयास शुरू कर दिए थे। आज गुजरात के अनेक हिस्सों में इसके सकारात्मक असर दिखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तेजी से इस खेती के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। मैं आज देश के हर राज्य से, हर राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आए। इस अमृत महोत्सव में हर पंचायत का कम से कम एक गांव जरूर प्राकृतिक खेती से जुड़े, ये प्रयास हम सब कर सकते हैं। और मैं किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आपके अगर 2 एकड़ भूमि है या 5 एकड़ भूमि है तो पूरी जमीन पर ही प्रयोग करो। आप थोड़ा खुद अनुभव करो, चलिए भाई उसमें से एक छोटा हिस्सा ले लो, आधा खेत ले लो, 1/4 खेत ले लो, एक हिस्सा तय करो, उसमें ये प्रयोग करो। अगर फायदा दिखता है तो थोड़ा विस्तार बढ़ाओ, 1-2 साल में आप धीरे धीरे पूरे खेत में इस तरफ चले जाओगे, दायरा बढ़ाते जाओगे। मेरा सभी निवेश साथियों से भी आग्रह है कि ये समय ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में इनके उत्पादों की प्रोसेसिंग में जमकर के निवेश का समय है। इसके लिए देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का बाजार हमारा इंतजार कर रहा है। हमें आने वाली संभावनाओं के लिए आज ही काम करना है। साथियों, इस अमृत काल में दुनिया के लिए फूड सिक्योरिटी और प्रकृति से समन्वय का बेहतरीन समाधान हमें भारत से देना है। क्लाइमेट चेंज समिट में मैंने दुनिया से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आह्वान किया था। 21वीं सदी में इसका नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है। इसलिए आइए आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं गुजरात सरकार का, गुजरात के मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का इस इनिशिएटिव के लिए, पूरे गुजरात में इसको एक आंदोलन का रूप देने के लिए और आज पूरे देश के किसानों को जोड़ने के लिए मैं संबंधित सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।